हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोड़े, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो अभी ये वीडियो होने वाला है बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो अभी बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स मतलब 50% वेटेज नीट के लिए बायोलॉजी से आते 50%, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। और बायोलॉजी में 300 स्कोर करना थोड़ा सा ईजी भी होता है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स के मिलाकर 300 प्लस स्कोर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन 40 दिनों में हम बायोलॉजी के ऊपर अच्छा फोकस कर सकते हैं और NCERT पढ़कर भी 300 प्लस स्कोर आसानी से आ सकता है। तो मैं इस वीडियो में दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। पहली कैटेगरी ये होगी कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई नहीं करते, तो उनके लिए भी कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। तो फॉलो करके उनके 300 प्लस स्कोर आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो और दूसरी कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनका मतलब NCERT अच्छे से कवर हो चुका है, उनके उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी की है, बट उन्होंने अभी क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इन लास्ट के दिनों में, तो उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, आपको मतलब फायदा ही होगा इस वीडियो से। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नीट 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनअकैडमी ने एक ऑल स्टार बैच नाम का क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 23 जून को। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आप 2023 के एस्पायरेंट हो तो आप बूट कैंप नाम के एक प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो, उसमें फ्री लाइव क्लास सीरीज रहेगी। तो 19th और 20th जून को आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीट UG का अभी बम्पर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप नीट 2021 के एस्पायरेंट हो और आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। वैसे ही 2022 मंथ पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 2023 एस्पायरेंट से उनको 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अनअकैडमी पे अभी नीट UG प्लस CBSE का कॉम्बो सेल भी चल रहा है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो महेश650 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पे अनअकैडमी कॉम्बैट नाम की इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती है हर संडे 11 AM नीट UG के लिए। तो आप उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपको रैंक वाइज अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपको उसमें 100% स्कॉलरशिप का चांस भी होता है। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑफर है। तो मैं मेरी बात करूं तो मेरे बायोलॉजी में थे 335 आउट ऑफ 360, तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है। बट इसमें भी थोड़ी सी गलतियां हुई, इसलिए 5-6 क्वेश्चंस थोड़े से गलत हुए। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि अपनी सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें और NCERT कैसे पढ़े, NCERT इनफ है क्या, और कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो अंत तक देखना और आपको जो जो पॉइंट्स अच्छे लगे तो जरूर इम्प्लीमेंट करना अपनी स्टडी में। इन 40 दिनों में अभी आपका स्कोर अच्छे से बूस्ट हो सकता है, 100% बूस्ट हो सकता है, स्पेशली बायोलॉजी का स्कोर। तो बायोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा फोकस करके पढ़ाई कर। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके मन में ये सवाल आना कॉमन ही है, NCERT सफिशियंट है क्या नीट क्रैक करने के लिए। तो सब टॉपर्स का आंसर होता है कि हाँ NCERT सफिशियंट है। हमने जो इंटरव्यू में देखा प्रथमेश आढ़ाव या जो आदित्य सिंह चौहान, तो उन्होंने भी NCERT के बारे में बोला है कि NCERT सिर्फ NCERT करने से भी अच्छा स्कोर आ सकता है। तो NCERT सफिशियंट है, क्योंकि NTA जो कंडक्ट कर रही है नीट, तो NTA का कहना है कि हम पेपर NCERT से ही निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 86 या 87 क्वेश्चन तो NCERT से आने वाले हैं। तो NCERT सफिशियंट है बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप 11th और 12th की NCERT अच्छे से करते हो तो आपको 320-330 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ये सभी टॉपर्स कहते हैं। और ये मेरा भी कहना है कि NCERT से इतना स्कोर आना मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो इतना स्कोर आ सकता है किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का भी, तो NCERT सफिशियंट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अभी 40 दिन बाकी है, फिर भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है 150 टू 200 के बीच बायोलॉजी में। तो अभी
उनको गिव अप करना चाहिए या उन्होंने इन 40 दिनों में प्रिपरेशन करके उनका स्कोर करके हाईलाइटर से हमें ज्यादा देर तक मेमोरी स्टोर रहती है, तो इस कलर का हाईलाइटर यूज करने की कोशिश करिए। अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप जो भी टीचर्स है आपके तो उनका क्रैश कोर्स कर सकते हैं। ज्यादा लेक्चर मत देखिए, क्योंकि ज्यादा लेक्चर देखने से मैंने पहले भी बताया था कि आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस्ट हो सकती है, तो आप उनके ऐसे लेक्चर देख सकते हैं, 1 या 1.5 घंटे में उन्होंने पूरा चैप्टर समराइज किया हो, वो देखने के बाद फिर आप जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे जो एग्जाम्पल्स है उनको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो अच्छे से स्टोर हो पाएगा। फिर ये करने के बाद अब आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाना, बाकी कोई भी क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले ज्यादा कुछ एनसीईआरटी या ज्यादा कुछ बायोलॉजी ना पढ़ी हो उनके लिए 2 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और दूसरा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, वो भी नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर से, 32 या 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर, अभी होने नहीं वाले, टाइम बहुत ही कम बाकी है। तो ये 2 टिप्स जरूर फॉलो करना जिनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाए, उन्होंने भर भर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, मॉक टेस्ट भी दिए, तो उनका स्कोर अभी 300+ आ रहा है। बट 300 to 340 स्कोर कैसे लाएं? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर भी आप 340 स्कोर ला सकते हैं, बट सिर्फ 340 स्कोर लाने के लिए मैंने कुछ ब्लैंक पॉइंट्स का आविष्कार किया है, मतलब ये नहीं आ रहा, आप देख लेना एनसीईआरटी से। तो वो क्वेश्चन आया था समरी से, और यहाँ पे एनसीईआरटी में उसका कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ समरी में मेंशन था। और एक क्वेश्चन मुझे याद आता है लोकोमोशन का कि एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये अभी तक आया नहीं, बट ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, सिर्फ समरी में दिया है, इसका मेंशन सिर्फ समरी में किया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ब्लैंक स्पॉट पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तभी हम एनसीईआरटी के बेसिस पर भी 340 स्कोर ला सकते हैं। और तीसरा ब्लैंक स्पॉट है कि साइंटिस्ट। और अंत में कहना चाहूंगा कि जो लोग या जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं कौन सी बुक सॉल्व करूं, तो मेरा एक जेन्यून ओपिनियन है कि वो सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो बायोलॉजी की प्रैक्टिस होती ही है। तो इतना करने के बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक ना यूज कीजिए, ना MTG फिंगर टिप्स कीजिए, ना दूसरी कोई कीजिए। ये 2021 के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है, 2022 यूज कर सकते हैं, भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन से भी बुक से। तो ये वीडियो सिर्फ नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए था, क्योंकि अभी उनके सिर्फ 40 या 45 डेज बाकी है। तो वीडियो कैसी लगी, मेरी टिप्स कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता।